स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। तुम और यहाँ श्वेता, ये सीईओ का कैबिन है, ऐसे लोग मुंह उठाकर यहाँ नहीं आ सकते। आगे से ध्यान रख। एक बात और, जो कचरा यहाँ पड़ा है ना, उसे उठाकर बाहर फेंक दो। मैं नहीं चाहती कि रमन भल्ला की कोई भी चीज यहाँ पड़ी रहे। तुमने मेरी फैमिली बर्बाद की है मिस्टर रमन भल्ला, मैं तुम्हारे परिवार को तोड़ दूंगी। श्वेता, तुम और यहां श्वेता, ये सीईओ का कैबिन है, ऐसे लोग मुंह उठाकर यहां नहीं आ सकते। आगे से ध्यान रख। एक बात और, जो कचरा यहां पड़ा है ना, उसे उठाकर बाहर फेंक दो। मैं नहीं चाहती कि रमन भल्ला की कोई भी चीज यहां पड़ी रहे। किसने हक दे दिया रमन का सामान फेंकने का? 51% शेयर्स की मालकिन है आप, लेकिन ये मत भूलिए 49% शेयर्स अभी भी रमन के पास हैं। और जिस कंपनी की आप धौंस दे रही हैं, इस कंपनी को रमन ने खड़ा किया है अपने बलबूते पे। इशिता जी, तुम्हारी मैथ्स बहुत ही कमजोर है। 51% मतलब आधे से ज्यादा। इसका मतलब यही हुआ कि मैं इस कंपनी की मालकिन हूं, यहां मेरा ऑर्डर चलेगा और मैं तय करूंगी कि कौन कहां बैठेगा। डू यू अंडरस्टैंड? श्वेता, खड़ी क्यों हो? उठाकर सारा सामान बाहर फेंको। ओए चुप, तेरी इतनी हिम्मत हो गई है? तू मेरे भाई को कंपनी से बाहर निकालेगी? इसको मैं छोड़ूंगी नहीं। अगर हम भी ऐसे करेंगे तो इनमें हमें फर्क क्या रह जाएगा? और चीजें बाहर निकालने के लिए उन्हें फेंकना जरूरी नहीं है। श्वेता, ये सारी चीजें एक बॉक्स में डालो, उन्हें बाहर ले जाओ। इट्स ओके। और क्या चाहिए आपको बताइए? कैबिन, मेरी कुर्सी, मेरा ऑफिस, सब ले लीजिए। लेकिन जो इज्जत मैंने कमाई है वो आप 7 जन्मों में नहीं कमा पाएंगे, एंड दैट्स फॉर श्योर। स्पीच बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ नहीं, ऑफिस से बाहर, क्योंकि यहाँ काम होता है। और आपकी जो बची कुछ इज्जत है, मेहनत है, उसे उठाकर बाहर जाओ। आउट। मिस्टर रमन भल्ला, अब तो तुम्हें इस कैबिन से मैंने बाहर निकाला है, बस देखते जाओ आगे मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करती हूं। फर्स्ट है यहाँ पे और मुझे ब्रेकफास्ट बनाना था। मम्मा क्या सोच रही होंगी कि पहले दिन बहू इतनी लेट उठी,
गॉड, अब मैं क्या बोलूंगी उनको? मुझे जल्दी से उठना चाहिए, तैयार होना चाहिए। रोहन, तुम जाग रहे? गुड मॉर्निंग। वैसे ये गुड मॉर्निंग रही नहीं है अभी, क्योंकि 11 बज गए। मुझे उठ के ब्रेकफास्ट बनाना था। मॉम पता नहीं क्या सोच रही होंगी कि डे फर्स्ट ही मैं इतनी लेट उठी हूँ। उनकी बहू ऐसी है। बेबी, मेरी मॉम ऐसे बात नहीं करती, रिलैक्स। लेकिन अब तुम्हारी मम्मा ऐसे बात करेंगी, क्योंकि अब तक वो बेटों के साथ रहती थी, लेकिन अब उनकी बहुएं भी हैं। सो यस, आई हैव टू गो। रोहन, स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।